खुद औरत औरतें आती हैं नीर की तरह। तो मैं रीता जय हिंद अरोड़ा सैल्यूट करती हूँ, और एक औरत होने के नाते मैं औरत की उपमा आपके सामने रख रही हूँ, क्योंकि औरत ही औरत को अच्छी तरह से बयां कर सकती है। औरतें पुरुष की जिंदगी में आती हैं नीर की तरह, मीठी लगती हैं खीर की तरह, और मीठी लगती हैं खीर की तरह, और चुभती हैं तीर की तरह और हालत कर देती हैं फकीर की तरह। एक बात मैं आपसे और कहना चाहती हूँ दोस्तों, मैं थोड़ा सा पहले, जब तक मैं ओज में नहीं कर लूँ ना, मुझे मज़ा नहीं आता आपको सुनाती हूँ। जब पाक साफ कर लौट कर आएंगे हमारे वीर जवान, मैं साल में दिवाली मनाऊंगी 12 बार। कनातों पर दीपक रोज जलाऊंगी, और भारत की धरती पर तिरंगा लहरा कर आऊंगी। जय हिंद वंदे मातरम। भारत वर्ष में एक त्यौहार और मनाया जाएगा, जैसे दशहरा मनाया जाता है रावण का पुतला दहन करके, उसी तरह से आतंकवाद का पुतला जलाया जाएगा। और अब इसके आगे मैं आपको थोड़ा सा हास्य प्रस्तुत करती हूँ। एक बार मैं एक फंक्शन में गई, जगजीत सिंह जी गा रहे थे। जगजीत सिंह जी गा रहे थे, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। क्या बात है। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। तभी एक बेचारे से भाई साहब जो पत्नी से बहुत ही पीड़ित थे, वो तुरंत खड़े हो गए बीच में। अरे मैं भी बहुत दुखी हूँ, आंखों में आंसू, मैं भी बहुत दुखी हूँ, मेरी तो औरत भी ले लो। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये औरत भी ले लो। एक बार